हिसार में डबल मर्डर ने सबको हैरान कर दिया, जहां पुलिस कांस्टेबल ने अपने ही परिवार को मौत की नींद सुला दी। पत्नी और बेटे की कुल्हाड़ी से मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। जो सुमिता नाम की लड़की थी और उसका बेटा निखिल, दोनों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया गया और इतनी बेरहमी से हत्या की गई है जिसको देखा भी नहीं जा सकता किसी से। हमको जी उसके सुमिता के पति का मेरे अंकल के पास फोन आया था, वहाँ पर देखा जी एक कमरे का ताला लगा हुआ है, बाकी खुले है। सास उसकी घर पर थी, लेकिन हमने अंदर से देखा तो खून का भाव बाहर आ रहा था जी। उस हिसाब से हमने ताला तोड़कर देखा तो दोनों मर्त पड़े थे जी। मृतका सुनीता गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वही लड़की के परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है और थाने में मामला दर्ज करा दिया गया। पुलिस हर मामले की तरह छानबीन में जुट गई है। इन्फॉर्मेशन आई थी ऐसे डोबी गांव में एक मर्डर हो गया था, तो मौके पे हम पहुंचे, जिसमें अपने उसमें साबराम ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे के कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी थी। तो इसमें केस रजिस्टर कर लिया हमने, पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी है। इसके बयान पर क्या मामला दर्ज किया? ये हमने लड़की की मृतक की ब्रदर की स्टेटमेंट पे FIR लॉन्च की है। अब इसका पता नहीं चल पाया कि उसने ये कदम क्यों उठाया है। पुलिस वालों के भरोसे हम चैन की नींद सोते हैं, लेकिन ये एक पुलिस वाला ही अपने परिवार को मौत की नींद सुला दे तो सवाल उठना लाजमी है।